हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत हेल्दी रेसिपी। ये सब्जी हम मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताती रहूंगी। ये देखिए, इसमें मैंने एक गोभी का फूल ले लिया है, फूल गोभी का फूल ले लिया है। चार ये ऑरेंज वाली गाजर को ऐसे चॉप कर लिया है। दो आलू लिए हैं, उनके इस तरह से चंक्स कर लिए हैं। एक पाव के करीब बीन्स ली है, उसके भी ऐसे टुकड़े, 1 इंच के टुकड़े कर लिए हैं। और एक कटोरी हमने ये सोया नगेट्स ली हैं, इसको हमने पहले पानी में उबाल लिया है और फिर इसको निकाल लिया। तो ये सारी सब्जियां मिक्स हो गई हैं, अब हम इनको बनाते हैं, शुरू करते हैं। इसमें जो गोभी है, अगर आपकी गोभी साफ नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि ये साफ करनी चाहिए, तो हम इसको एक बार उबले हुए पानी में से निकाल लेते हैं। वैसे गोभी मैं हमेशा ही एक बार उबले हुए पानी में से निकाल लेती हूँ। बाकी सब्जियां हमने एज इट इज रॉ ली हैं, केवल हमने ये न्यूट्रिएंट्स को उबाला है और स्क्वीज करके ले लिया है। ये देखिए, दो प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है, इस तरह से कट कर लिया है। तो आप 2 से 3 प्याज ले सकते हैं। ये हमने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है, आप जो भी ऑयल खाते हैं उसमें आप ये बना सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें जीरा 1 चम्मच, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम ब्राउन करेंगे अच्छे से, और ऑयल भी हमने ज्यादा नहीं लिया है, आप देख सकते हैं। और ये यकीन मानिए बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम प्याज को पकाएंगे। और ये देखिए, हमने लच्छे जो हैं अदरक के, ये फाइनली ऐसे कट कर लिए हैं। 1 इंच के करीब अदरक है, आप लंबाई में ले सकते हैं उसको। तो ये लच्छे भी हम इसमें डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हमने प्याज भुनने के बाद 1 चम्मच हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हमने 1 चम्मच ली है, कश्मीरी मिर्च है ये। धनिया पाउडर डालेंगे हम इसमें थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में, बड़ा 1 चम्मच। 1 चम्मच हमने इसमें किचन किंग डाला है, इसको सबको अच्छे से भून लेते हैं, जलने नहीं चाहिए मसाले। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 से 1.5 चम्मच, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको करते हैं मिक्स, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ये सब्जी आप जरूर बनाकर देखिएगा। साथ ही डालेंगे हम इसमें ये अदरक के लच्छे, इसको भी एक बार चला लेंगे, बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। और अब हम डालेंगे इसमें ये सारी सब्जियां जो हमने ऑलरेडी धो के तैयार करके रखी हुई हैं। आप सब्जी कम ज्यादा कर सकते हैं, हम थोड़ा एक बड़ा डोंगा सब्जी बना रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी ली है। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये देखिए, इस तरह से हम करेंगे इसको चारों तरफ से मिक्स। कितनी कलरफुल ये सब्जी लग रही है, जितनी ये देखने में अच्छी है उतनी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी, तो आप जरूर बनाइएगा। अब हम डाल रहे हैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसको ढककर पकाएंगे, ढक्कन लगा देंगे इसको और हम इसको अच्छे से ढककर पकाएंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। इसमें हमने 2 शिमला मिर्च को अच्छे से धो के उनके बीज निकाल के इस तरह से इसके पीसेस कर लिए हैं, इनको हम लास्ट में डालेंगे। देखिए, हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है और इसी की स्टीम में हम बार बार चला रहे हैं इसको, इसी की स्टीम में ये सब्जी जो है पक रही है, तो बहुत टेस्टी बनेगी। इसी तरह से आप चेक करते रहिए और जब गल जाए तब आपको गैस ऑफ करनी है। तो ये देखिए, ढक्कन उठा के हम देख रहे हैं सब्जी जो है वो बिल्कुल स्टीम में अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे जो शिमला मिर्च लास्ट में, यानी सब्जी हमारी गल गई है और लास्ट में शिमला मिर्च, क्योंकि अगर हम शुरू में डाल देते हैं ना तो वो बहुत सौगी सी, गीली सी और अलग सी महक उसमें आने लगती है, बट ये अगर क्रंची रहती है तो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको पकाएंगे। बहुत टेस्टी ये सब्जी बनती है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब आप देखिए, ये फाइनल जो है सब्जी तैयार है हमारी। अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग, और ये देखिए हमारी ये यमी सी लगने वाली सब्जी जो है वो बनकर तैयार है। तो आशा करती हूँ आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।